हरे कृष्ण। आप सभी का श्री उपदेशामृत के आज के सत्र में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक 5। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूष्य भजन विज्ञम अनन्यमन्या निन्दादृशून्य हृदयम् इप्सित संग लब्ध्वा। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत, मनसाद्रियेत का मीनिंग क्या है, आदर करना, उसका मन से आदर करे। दीक्षास्ति चेत, उसने उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मीशम, और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, भजन्त मीशम, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे। शुश्रूष भजन विज्ञम अनन्यमन्य, और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। निंदा आदि शून्य, मतलब वो किसी की निंदा नहीं करता। निंदा आदि शून्य हृदयम इपिसित ल संग लब्ध्वा, तो ऐसे व्यक्ति की हमें संगति करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो निंदा करने से शून्य हो चुका है, मतलब अभी वो किसी की निंदा नहीं करता और हृदय उसका कैसा हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। तात्पर्य है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के जय। पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह के से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरि नाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे जो सदैव भक्ति के निम्नतम स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है। ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है। अर्चायामेव हरये पुंजाम य श्रद्धयेहते नातद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। अर्थात जो व्यक्ति मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए। श्रीमद्भागवतम 11वां स्कंद 2 अध्याय 46वां श्लोक में
मध्यम अधिकारी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषतसु च प्रेम मैत्री कृपो पेक्षा य करोति स मध्यमः। अर्थात मध्यम अधिकारी भक्त वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उनसे दूर रहता है। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। भले ही ऐसे लोग श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करते हों लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं उन पर तभी दया दिखानी चाहिए। जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हों किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रमाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इस कृष्ण भावना अमृतांदोलन में जाति नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने प्रसाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है तो उसे हम श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रक्रिया से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन श्री चैतन्य चैतामृत अंत लीला 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। अर्थात दीक्षा के समय जब भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 866 में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संगम्य तस्माद् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशी कैस्तत्व कोविद है। अर्थात दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसी जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत दुखदायी नहीं होती। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी जीवन दशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं यदि वे मंदिर में रह सकें तथा वैष्णवों की संगति कर सकें। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6.1.13 की संस्तुति की गई है।
तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्या एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्यम ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद्भागवतम 11.3.21 में यह भी संस्तुति की गई है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन ना कर सके तो वह गुरु स्वीकार ना करे, ना ही उसे आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है। तम का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतया लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। जब कोई प्रमाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और श्री भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई दसों अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नवदीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि निर अपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावना अमृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। श्री चैतन्य चैता अमृत मध्य लीला 22.69 में कहा गया है, याहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तहो भक्त हई बे उत्तम। अर्थात जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वह नौसिखिया कहलाता है, लेकिन इस विधि का क्रमशः पालन करते हुए वह प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने भक्ति जीवन का शुभ आरंभ नवदीक्षित अवस्था से करता है, किंतु यदि वह हरिनाम जप की निर्धारित संख्या को ढंग से पूरा करता है तो वह क्रमशः उत्तम अधिकारी के उच्चतम पद को प्राप्त करता है। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग माला पर अधिक काल तक जप करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतएव न्यूनतम संख्या में जप करने का निर्धारण किया गया है। किंतु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला 100,000 नाम जप ना कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। उसकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता तथा छल कपट के बिना करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतएव हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आशा है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने से महान भक्त सत्यराज खान से पूछा कि वैष्णव को किस तरह पहचानना चाहिए तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबकार। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी भगवान श्री कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त व्यक्तियों में से श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 15.106। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा,
अतेव यार मुखे एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करिह ताहर सम्मान। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या जो अभ्यासवश भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 15.111। हमारे एक मित्र जो प्रसिद्ध अंग्रेजी संगीतकार हैं भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिकॉर्डों में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया है। वे अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के चित्रों को नमस्कार करते हैं और कृष्ण भावना अमृत के प्रचारकों का भी आदर करते हैं। सभी तरह से उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतएव हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महाशय क्रमशः कृष्ण भावना अमृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा हो उसका सम्मान करना वैष्णवों का धर्म है। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालिक जिनसे महान उपदेशक होने की आशा की जाती है वे क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर गिर चुके हैं क्योंकि वे श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल रहे हैं। श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की 3 कोटियाँ बताई। शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। अर्थात जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा जो अपनी नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.67। मध्यम अधिकारी दृढ़तापूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.64 में कहा गया है, श्रद्धावान जन हए भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। अर्थात मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22.62 में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्तिमय सेवा करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में विश्वास कृष्ण भावना अमृत का शुभ आरंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। श्रीमद् भगवद गीता का कथन श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रमाणिक आदेश है और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथा रूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को उसी प्रकार स्वीकार किया था। श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, सर्वमेत धृतम मन्य जन्माम वदसी केशव। हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 10.14। श्रीमद् भगवद गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्धघटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे।
यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना श्रीमद् भगवद गीता 18.66। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सफुर्दयत। भक्ति रसामृत 1.2.234। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धापूर्वक श्री भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीभ से प्रारंभ होती है। सेवान मुखे ही जिह्वा दो, जिसका अर्थ यह है कि हमें सदैव श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए ना प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तब श्री भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज़ में रुचि नहीं लेता। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए और 6 विधियों के अनुसार ददाति प्रतिग्रहणाति इत्यादि तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निस्संदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उसे समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दे दिया जाए। विशेषतया ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत अर्थात उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ मध्यम तथा उत्तम अधिकारी में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को उसके इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्य अवस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।